This one is with Google. Free Palestine. तो मैं यहाँ पर आ गया अभी मस्जिद इस्तेक़लाल, मगरिब का टाइम होने वाला है, यहाँ पर मगरिब पढ़ूंगा। बहुत ही बड़ी मस्जिद है तो ये इस्तेक़लाल मॉस्क है। मेरे ख्याल से इसमें 2 लाख के लोगों की नमाज पढ़ने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मस्जिद इस्तेक़लाल। तो अस्सलाम वालेकुम। तो देखो, दुनिया की जो सबसे पॉपुलेट कंट्री है मुसलमानों के हिसाब से वो है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो जकार्ता के अंदर, और मैं हूँ जकार्ता के सिटी के अंदर, और ये आपके सामने है सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद अल इस्तेक़लाल। मस्जिद अल इस्तेक़लाल बहुत बड़ा मरकज़ है। आप लोग कभी दिल्ली के मरकज़ में गए हो? अस्सलाम वालेकुम। वुज़ू, देखो वहाँ से शुरू होते हैं। अभी मैं इसके फ्लोर गिनना शुरू करता हूँ आपके सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोर की मस्जिद है यहाँ पर इस तरफ से, और यहाँ पर ये अलग एरिया है, और ये देखो बीच में कोई छोटी सी रिवर है। वहाँ पर मस्जिद के कंपाउंड के अंदर फूड कोर्ट भी बनाया हुआ है। अभी नमाज का टाइम है तो पहले नमाज पढ़ लो, उसके बाद में फिर वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा फूड कोर्ट। तो मतलब कि यहाँ मस्जिद के अंदर ही अगर कोई फंक्शन हो या कोई प्रोग्राम हो, बयान हो या इज्तिमा हो, तो यहाँ पर ही फूड कोर्ट है मस्जिद के कंपाउंड के अंदर। ये देखो अल-फत्ता। अस्सलाम वालेकुम। तो वुज़ू पकी दो पिता सर उधर गिरी सर ये देखो ऊपर तक के आप लोग ऊपर तक के आप लोगों को लेके जाऊंगा। पहले यहाँ पर वुजू कर लो, तैयार हो जाओ नमाज के लिए। यहाँ देखो वुजू, मदरसा, इस्लामिक स्कूल। तो देखो मस्जिद के अंदर यहाँ पर मसाज चेयर भी लगी हुई है, और ये देखो ये लेफ्ट साइड में ये वुजू का एरिया है। अब यहाँ पर वुजू कैसे कर, पहली मरतबा ऐसा देखा। देखो आप ये घंटे की जो आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ पर सामने ही चर्च है। तो देखो कितना अच्छा माहौल है, सामने चर्च है, यहाँ पर मस्जिद है। ऐसा माहौल दुनिया के हर देश के अंदर होना चाहिए। सुकून, आप अपनी इबादत करो, दूसरे को अपनी इबादत करने दो, कोई एक दूसरे के मजहब के अंदर इंटरफेयर ना करो। सुना आपने, मैंने अभी यहाँ से बाहर से वीडियो भी निकाला है तो आप लोगों को बताऊँगा। एकदम बिल्कुल सामने है, देखो बीच में रोड है, और रोड क्रॉस करने के बाद में चर्च है। السلام عليكم وعليكم السلام المدرسة ما شاء الله ما شاء الله ابتدائي المدرسة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله ما شاء الله Hey, madrasa, sit after. देखो बच्चे लोग यहाँ पर मदरसा के बच्चों के लिए यहाँ पर ये सोडा वगैरह की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर मैं जो ये अच्छा लगा, ये वुजू खाना, एक एक वुजू खाने के अंदर या 6 नल है, 6 नल है। खड़े होकर यहाँ पर वुजू करो, मुँह से पानी चला जाता है। और ये क्या है, ये कुछ शायद बैग वगैरह रखने के लिए डिपॉजिट पेमेंट के साथ में। सो इंडिया पाकिस्तान वालों,
दुनिया भर में इतनी कम मस्जिद है, इतने मुसलमान हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ संभाले रखते हैं। तो मस्जिद का एरिया है ऊपर। सलाम अलैकुम। देखो औरतों का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, हमारे यहाँ पर औरतों का इंतज़ाम क्यों नहीं है? औरतें भी आए, बड़ी मस्जिद बनाओ, औरतों का अलग इंतज़ाम बनाओ और औरतों को भी बुलाओ, बहुत ही अच्छा। देखो ये फर्स्ट फ्लोर है, इतना बड़ा पैसेज है और ये अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन। अस्सलाम वालेकुम। सुने फातिहा? सुने फातिहा। कितना अच्छा माहौल, अगर आप अपनी वाइफ के साथ में आओ, अपने घर वालियों के साथ में आओ, अपने बहने के साथ में आओ, यहाँ पर मस्जिद में बैठो, मगरिब में आओ, ईशा में जाओ, इतना अच्छा माहौल है। तो देखो ये तो मस्जिद के बाहर का एरिया, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर में। और आपको यहाँ पर अगर चहलकदमी करना है, टहलना है, तो ये मस्जिद के इस तरफ का एरिया, झाड़ लगाए हुए हैं, खाली नजर इस तरफ का एरिया, उधर मस्जिद का पैसेज है, बीच में यहाँ पर आप चल सकते हैं मदरसे के पास जाके। ए वेयर इज मदरसा? मदरसा मदरसा, कम ऑन कम ऑन, वेयर इज द मदरसा? सब गजा दिस साइड, गजा सदका बॉक्स। ये है मस्जिद का एरिया। हम तो भाई दुनिया में घूमते घूमते अब लोगों को पढ़ाएंगे या फिर ऑनलाइन लोगों को सही दुनिया में पढ़ाएंगे। ये प्रो? या प्रो हाय। सलाम अलैकुम। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया? इस इंडोनेशिया? नो लेट फ्री फलस्तीन फ्री फलस्तीन अलम तर कैफ फअल रब्बुक अलम यजअल कैदहुम फी तदबीर وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يا مسجد عورتوں کا حصہ یہاں پر ہے، مردوں کا حصہ یہاں پر ہے، اور اپنے جوتے کا میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں۔ ہوا برحمتی मदरसे के पूरे बच्चे, ये वाले सब मदरसे, माशाल्लाह ये सब मदरसे के बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाउ आर यू? फाइन गुड। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये देखो, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह माशाल्लाह। Yes. This one is with the good. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. From East. From East. From India. Oh God. पूरा मदरसा का एरिया है, बच्चे यहाँ पर मदरसे में पढ़ते हैं, और ये पूरा मस्जिद का एरिया है। इतनी बड़ी मस्जिद, माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद, अभी रशिया के अंदर देखिए इतनी बड़ी मस्जिद। आप जज्बात कंट्रोल नहीं हुआ कि आप देखो दुनिया भर में घूमो और इतनी अच्छी अच्छी मस्जिद, लोगों को देख कर इतना अच्छा लगता है कि मुसलमानों को देख कर दुनिया के हर कोने में इतना अच्छा लगता है। ये पहला माला है, एक दो तीन चार, चार माले ऊपर और है, नीचे अंडरग्राउंड भी है, पैसेज भी है। और यहाँ पर देखो ब्लॉक कर रहा हूँ, कोई यहाँ पर आके रुकेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह औरतें भी है यहाँ पर, उनका एरिया वहाँ पर,
और मर्द कर रहे हैं। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में मगरिब पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है बड़े बड़े वो टीवी भी लगाए हुए हैं, स्क्रीन लगाई हुई है इतनी बड़ी बड़ी, ताकि अगर कोई प्रोग्राम हो, बयान हो, तो यहाँ से दिखा सके। वहाँ पर भी है एक, और एक यहाँ पर है, तो दो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद के अंदर इमाम साहब नज़र आना थोड़ा मुश्किल होगा। इमाम साहब के लिए जो मेम्बर है वो वहाँ ऊपर है बीच में, अंदर से जाके वहाँ ऊपर खड़े होते हैं। जुम्मा को शायद स्क्रीन पर दिखाया जाता होगा, अगर इमाम साहब वहाँ से बयान करते होंगे तो स्क्रीन पर दिखाया जाता, या फिर कोई प्रोग्राम वगैरह, आइडिया नहीं है, लेकिन बड़ी स्क्रीन जैसे कि मॉल के अंदर होती है वैसी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। तो दोस्तों कितनी मस्जिद हो गए आपको मैंने दिखाई, इजिप्ट के अंदर, रशिया के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद दिखाई, मंगोलिया के अंदर, उसके बाद में चाइना के अंदर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चाइना के अंदर मैंने आप लोगों को मस्जिद दिखाई, बीजिंग के अंदर, शियान के अंदर, शंघाई के अंदर। अब ये है इंडोनेशिया की सबसे बड़ी जकार्ता के अंदर। मस्जिद के अंदर नहीं बैठना चाहते हो, वहाँ बाहर जाके बैठो, इतना अच्छा माहौल है, इतनी ठंडी हवा चलती है, अल्लाह बैठो। सलाम अलैकुम। हाउ आर यू? फाइन। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। लोग भी बहुत अच्छे हैं, एकदम फ्रेंडली मिलते हो, बात करते हैं, सलाम करते हैं, पूछते हैं, तो अच्छे लोग हैं यहाँ के। इतना है कि बेचारे लोग को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इशारों में बात हो जाती है, समझ जाते हैं सब चीज़। तो मगरिब हो गई, और एक दोस्त मिल गया था जर्मनी से, उससे बात की मैंने आधा घंटा। अब निकलता हूँ यहाँ पर बाहर मस्जिद के, और आप लोगों को जो मस्जिद के बाहर जो फूड कोर्ट था वो बताता हूँ। कुछ दुकानें होगी खुली। मस्जिद से अभी निकल रहा था, ईशा का टाइम हो गया, अभी ईशा पढ़ के ही निकलता हूँ। टाइम है कम से कम 15-20 मिनट, अभी अजान होने वाली है, तो उससे पहले यहाँ पर फूड कोर्ट में देख लेता हूँ। प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है, मस्जिद के अंदर पानी का इंतज़ाम नहीं पीने का, तो यहाँ पर आ गया फूड कोर्ट में, पानी अगर मिलता है तो खरीदता हूँ। सलाम अलैकुम दोस्तों, आज फिर से आ गया हूँ यहाँ पर इस्तिक्लाल मॉस्क के अंदर। आज है अभी जुमेरात, तो मैंने जैसे सोचा था वैसे सही निकला, कि जुमेरात को यहाँ पर वीकेंड होता है कल, यहाँ पर छुट्टी होती है, इसी वजह से यहाँ पर देखो स्टॉल लगे हुए हैं। ये मस्जिद की एंट्री है और यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, तो मतलब कि यहाँ पर आओ आप, आधा दिन निकाल लो, यहाँ पर नमाज पढ़ो, बाहर पिए तो कुछ खाना हो तो खाओ। और यही चीज़ मेरी बहन के यहाँ पर किडनी जार्ड में भी होती है, कि पूरी फैमिली आती है मस्जिद के अंदर, और यहाँ पर मस्जिद के कंपाउंड में लोग बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, खाते हैं, तो पिकनिक बनाते हैं, और बाद में नमाज़ पढ़ के आराम से ईशा की नमाज़ पढ़ के जाते हैं। तो आज ज़्यादा पब्लिक है उस दिन के मुकाबले। उस दिन में आया था मस्जिद खाली थी, और खाली जेंट्स लोग थे, और ये जो स्टॉल वगैरह थे ये नहीं था, ये सिर्फ वहाँ जो ऑफिशियल स्टॉल है मस्जिद के कंपाउंड में खाली वहाँ थे। आज देखो यहाँ पर ये कपड़े भी लगे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे भी हैं फैमिली के साथ में, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। तो ये है मस्जिद, आज यहाँ पर नमाज़ पढ़ने वाला हूँ फिर से मैं, असर, मगरिब, ईशा, तो पूरा टाइम यहाँ पर गुजारूँगा, क्योंकि कल जुमा है, तो कल भी इंशाल्लाह आऊँगा जुमा के लिए। लेकिन मैं आज जल्दी यहाँ पर आ गया था, तो जितना मस्जिद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। इतनी चीज़ देखिए आज पूरी पब्लिक, और मस्जिद के बिल्कुल बाहर यहाँ पर एक छोटी सी नदी है, यहाँ से पानी जाता है, वो भी इन लोग एकदम साफ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले अव्वल वक्त के अंदर नमाज हो जाती है, असर, मगरिब, ईशा, सब नमाज अव्वल वक्त के अंदर पढ़ ले। और दिन मैंने देखा था नमाज के पहले, हर नमाज के पहले यहाँ पर ऐलान किया जाता है कौन से इमाम पढ़ाने वाले हैं। देखो उस दिन आया था तो यहाँ पर कुछ भी स्टॉल नहीं लगा, आज पूरे किताबों के स्टॉल लगे हैं, नॉवल्स है, किताब है। इधर उधर जाने से अच्छा तो यही जगह अच्छी है,
यार मस्जिद के बाहर अपना टाइम स्पेंड करो, नमाज का वक्त हो जाता है, अंदर आ जाओ फिर वापस से बाहर आओ, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है और इबादत भी हो जाती है, शॉपिंग भी हो जाती है, पिकनिक भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। यहाँ से टूरिस्ट भी आते हैं, पूरा टूर आता है, तो टूरिस्ट लोगों को यहाँ से लेके हुए आता है। और अभी अभी थोड़ी देर बैठता हूँ, टाइम है नमाज को, तो यहाँ पर बैठता हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यादातर तो लोकल्स होते हैं, तो हर जगह ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी कंट्री में देखा मैंने, यहाँ पर तो है, त्रिनिदाद में है, मेरे ख्याल से बारबाडोस में भी है, और अरब देशों में तो है ही, और जो लैटिन कंट्री है वहाँ पर कम पॉपुलेशन की वजह से है, लेकिन जो इंडियन माइंड सेट है जिन्होंने मस्जिद बनाई है लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, तो वो लोग इंडियन टाइप ही। صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين। यहाँ पर देखो दो दिन की विजिट हो गई मस्जिद इस्तिक्लाल के अंदर, एक तो नॉर्मल दिन था और एक वीकेंड था, दिन में भी और ये रात में भी। देखो रात को ये लाइटिंग वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, आज उस दिन ही लगी हुई थी और ये रात को मस्जिद इस तरह से दिखती है।